स्टूडेंट्स, दिस इज स्वाति देशपांडे टीचर। आज हम लोग फिफ्थ स्टैंडर्ड का जो मैथ्स का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बुक है उसमें जो चैप्टर है सर्कल्स, उसमें प्रॉब्लम सेट नंबर 31 है, वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों लोग, आपके पास बुक तो है तो ठीक से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1, इन द फिगर गिवन, एक फिगर दी है सर्कल की, उसमें पॉइंट्स एस एल एम एंड एन आर ऑन द सर्कल, आंसर द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ द आर विद एन पॉइंट्स एस एंड एम। एस एंड एम एन पॉइंट्स चाहिए, तो आर कौन सा मिलेगा? एस एल एम एंड आर एस एन एम, राइट? वेरी इजी, एन पॉइंट्स एस और एम चाहिए, एस और एम एंड चाहिए, एंड में, बीच में जो है वो अलग हो सकता है। सो एस एल एम और एस एन एम, क्योंकि आर का नाम लिखने के लिए 3 अल्फाबेट की जरूरत होती है। ओके, क्वेश्चन 2, राइट द नेम्स ऑफ द आर्क्स विद एंड पॉइंट्स एल एंड एन। सेम, जैसे ये किया वैसे ही, आर्क एल एम एन एंड आर्क एल एस एन, एल और एन एन में चाहिए, बीच में का लेटर चेंज हो सकता है। ओके, नाउ ये हो गया क्वेश्चन 1। अभी क्वेश्चन 2 में, राइट द नेम्स ऑफ द आर्क्स दैट पॉइंट ए बी सी डी इन द गिवन सर्कल गिव राइज टू। ओके, तो ए से स्टार्ट करते हैं। ए से कौन सा मिलेगा? आर्क ए बी सी मिलेगा और आर्क ए सी डी मिलेगा। बी से स्टार्ट करते हैं, बी से कौन सा मिलेगा? आर्क बी सी डी और आर्क बी डी ए। अभी सी की टर्म, आर्क सी डी ए मिल सकता है और आर्क सी ए बी मिल सकता है। अभी पॉइंट डी, पॉइंट डी से कौन सा मिल सकता है? डी ए बी मिल सकता है और आर्क बी सी बी मिल सकता है। ओके, चलो क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है? गिव द नेम्स ऑफ द आर्क दैट आर मेड बाय पॉइंट्स पी क्यू आर एस टी इन द फिगर। ओके, अभी पी से करते हैं पहले, आर पी क्यू आर, देन हो जाएगा आर पी आर सी। आप इसमें देखो डायग्राम में, आर पी एस टी ये हो गए पी के। अभी क्यू से करते हैं, आर क्यू आर एस, आर क्यू एस टी और आर क्यू टी पी। अभी आर से करते हैं, आर आर एस टी, आर आर टी पी, आर आर टी क्यू, राइट? अभी एस से करते हैं, एस आर एस टी पी, आर एस पी क्यू और आर एस क्यू आर। अभी टी बचा है, टी से कौन से हो सकते हैं? आर टी पी क्यू, आर टी क्यू आर और आर टी आर एस। स्टूडेंट्स, ये मैंने लिख तो दिए हैं, ठीक से विद द हेल्प ऑफ फिगर देखो कि कैसे फॉर्म हुए हैं आर्क्स। वेरी वेरी इजी, राइट? तो हमारा प्रॉब्लम सेट नंबर 31 तो हो गया। स्टूडेंट्स, यू सी दिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ आई हैव रिटन। ओके, आर्क का नाम लिखने के लिए 3 अल्फाबेट्स की जरूरत होती है, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा, ये साइड वाला आर्क ले रहे हैं कि ये साइड वाला। इसके लिए इधर का एक और इधर का एक जो पॉइंट होता है उसकी हेल्प हम लोग लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी आर थ्रू विद दिस प्रॉब्लम सेट नंबर 31। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, राइट? आई विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून।
Till then, study well and very important thing is enjoy studying. Bye.